गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की डेट है 16 मई 2020 एंड डे है सैटरडे, क्लास फोर्थ CW चैप्टर 3 नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 2 आप सब ने कंप्लीट कर लिया होगा और आपका होमवर्क दिया था क्वेश्चन बैग नंबर बैग 1 और क्वेश्चन बैग 2 दोनों आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दो टाइप के होते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। फर्स्ट है इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में देखिए, जो आप करोड़ लाख थाउजेंड हंड्रेड ये पढ़ते हैं, ये सब आप पढ़ते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। देखिए, वंस में होते वन, टेंस में होते टेन, हंड्रेड में हंड्रेड, थाउजेंड एंड वन थाउजेंड। ये जो वन थाउजेंड और टेन थाउजेंड है, ये दोनों वैल्यू आती है आपकी थाउजेंड के अंदर। देन लाख आता है, लाख में वन लाख एंड टेन लाख। इसके बाद वैल्यू आती है करोड़, वन करोड़ एंड टेन करोड़। तो ये पूरा नंबर सिस्टम है, ये आपका होता है इंडियन नंबर सिस्टम, या इसी को आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट भी कहते हैं, या तो इसे आप इंडियन नंबर सिस्टम बोल दीजिए, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। एग्जांपल देखिए, देखिए फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है 86,97,42,801। तो देखिए, अब इसको पहले इसमें वैल्यू पुटअप की मैंने, ये पूरा चार्ट बना लिया। देखिए आप वैल्यू हमेशा पीछे से, वंस में 5, टेंस में कितना लिखा है 1, इसलिए 1 8 आएगा आपका 100 में, उसके बाद 2 आएगा आपका 1000 में 1000, और 9 आएगा 4 आएगा आपका 10000 में, उसके बाद 7 आएगा लाख में, और 10 लाख में आएगा 9, 1 करोड़ में आएगा 6 एंड 10 करोड़ में आएगा 8। हमेशा जब आप वैल्यू पुट अप करते हो तो आपको पीछे से वैल्यू पुट करनी, जब आगे से करोगे तो आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी, क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए पीछे से वैल्यू पुट करिए। आप देखिए, वर्ड्स में कैसे लिखोगे, देख 86 ये दोनों किस में, करोड़ में, 8 मतलब टेंस में तो 80 होगी, और 6 तो कितना हो गया 86 करोड़। करोड़ के नीचे अंडरलाइन लिखी, इसीलिए आपको समझ में आ जाए कि करोड़ है। उसके बाद आता है आपका लाख में, कितना है 97 लाख। उसके बाद देखिए थाउजेंड में कितना है 42, तो 42,000। देन 815, पूरी वैल्यू कितनी होगी 86 करोड़ 97 लाख 42,000 एंड 815। ये हो गया आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। ऐसे देखिए एक और एग्जाम्पल, 7468,5907। पहले मैंने चार्ट बनाया, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करी, हमेशा वैल्यू कहाँ से, पीछे से। 7 हो गया वंस में, टेंथ में जीरो लिखा इसलिए 0। इसके बाद कितना है 9 आपका आएगा 900 में। इसके बाद है 5 आपका आपका 1000 में वंस में, 8 आएगा आपका 1000 में टेंथ में। देन 6 लिखा हुआ इसके आगे, 6 आएगा आपका लाख में वंस में, 4 आएगा आपका लाख में टेंथ में, और करोड़ में हो गया 1 में 7 में 10 करोड़। इसका कोई वैल्यू नहीं, इसलिए वैल्यू खाली होगी। अब देखिए इसे वर्ड्स में कैसे लिखा है, करोड़ में कितना है ओनली 7 है, तो 7 करोड़, लाख में 46 लाख, 1000 में हो गया 85,000, और 100 में कितना है 907, टेंस में कुछ भी नहीं इसलिए 0 था इसलिए 7। अब देखिए 7 करोड़ 46 लाख 85,906, ये हो गया आपका पूरा इंडियन नंबर सिस्टम। सेकंड नंबर सिस्टम आता है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ देखिए, इंटरनेशनल में आपका मिलियन थाउजेंड वन से 3 वैल्यू रहती, इन दोनों चार्ट में कोई अंतर नहीं, सिर्फ डिजिट्स का अंतर है। यहाँ देखिए 100 के बाद कितना है 1000, 10000, 10000 के बाद 100000 पर यहाँ कितना आ गया है, यहाँ आपका लाख आ गया है। देखिए ऊपर दिया हुआ है 1 लाख में कितना होता है 100000, और 10 लाख होता है आपका 1 मिलियन मिलके। यहाँ देखिए मिलियन थाउजेंड वन, मिलियन में भी आपके 3 कॉलम बने हुए हैं, थाउजेंड में भी आपके 3 कॉलम बने हुए हैं, वंस में, वंस में देखिए 1, टेंस और 100। यहाँ ये वंस दे दिया है, जबकि इंडियन में ये आपके तीनों अलग अलग रहती है। यहाँ देखिए उसके बाद क्या था, 100 के बाद 1000, 1000 में आप 1000, 10000, 100000। देखिए 1000, 10000 इंडियन में वही था, यहाँ देखिए 100000 की जगह क्या नाम हो गया था, वह लाख। अब देखिए मिलियन में 1 लाख, 10 लाख और 100 मिलियन, तो ये आपका मिलियन में होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 63,517,421, पहले मैंने चार्ट बना लिया है पूरा, जैसा ऊपर था वैसा ही। अब देखिए हम यहाँ पर भी नंबर आप पीछे से पुट करते हुए चलोगे, वंस में 1, टेंस में कितना है 2, 100 में 4, ये हो गया 7 आपका, 1000 में आएगा 1 में, 7 के आगे 1 लिखा इसलिए टेंस में 1 में, और 1 के आगे 5 लिखा इसलिए 5, 6 हो गया आपका मिलियन के 1 में, और 63 हो गया आपका मिलियन के 10 में। अब देखिए इसको वर्ड्स में, सबसे बड़ी वैल्यू 6 और 3 किस में, मिलियन में, 6 है टेंस में और 3 1, तो ये हो गया 63 मिलियन।
ठीक है 63 मिलियन, ये दोनों वैल्यू मिलियन में थी इसलिए मैंने मिलियन लिखा, मिलियन के नीचे अंडरलाइन भी की हुई है। अब देखिए 1000 में कितना है 5, ये किस प्लेस पर 100, तो 500 वन टेंस पे ये हो गया 17, तो 517 किस में है 1000 में, इसलिए हमें 1000 प्रॉपर वर्ड लिखा। उसके बाद 421 तो कितना हो गया 63,517,421, मिलियन और 1000 के नीचे इसलिए अंडरलाइन की क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी 100 है यहाँ भी 100 है, ये 100 आपका 1000 वाला, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये पूरी वैल्यू मिलियन की है, ये पूरी वैल्यू 1000 की और ये वंस की। ऐसा ही एक और देखिए 920, 925, 468, 516, पहले मैंने चार्ट बना लिया फिर वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए 925, ये 925 पूरी वैल्यू किसकी मिलियन की, 468,516 ये हो गया आपका पूरा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। दोनों चार्ट मैंने आपको समझा दिया एक्सप्लेनेशन से। अब हम चालू करते हैं एक्सरसाइज थ्री। एक्सरसाइज थ्री देखिए, एक्सरसाइज थ्री ओपन करते हैं आप, ये देखो एक्सरसाइज थ्री। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरियल्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड देम रीराइट देन कॉमास एट राइट प्लेस। यहाँ आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से अरेंज करना है, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। यहाँ देखिए इसका बी वाला, फर्स्ट का बी 23617, तो 2361 इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 100 के बाद कॉमा लगता है, तो ये हो गया आपका वन टेंस 100, इसके बाद कॉमा लगा दिया 1000 10000, ये लग गया आपका कॉमा। ई वाला देखिए 200105, तो पीछे से वन टेंस 100 100 के बाद कॉमा लगाया 1000 10000 के बाद कॉमा और टू वन। नेक्स्ट देखिए एच वाला 1560034, तो ये पीछे से हमेशा कॉमा पीछे से ही लगाओगे, 430 कॉमा लगाया 06 फिर कॉमा, मतलब ये हो गया वन टेंस 100 फिर कॉमा लगेगा 1000 10000 फिर कॉमा लाख एंड 10 लाख। ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तीन मैंने करा दिए बाकी रिमाइंडिंग सम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरियल्स इन वर्ड्स इन द इंडियन नंबर सिस्टम। अब आपको क्या लिखना है वर्ड्स में और किस सिस्टम के हिसाब से इंडियन नंबर। यहाँ देखिए सेकंड का ए वाला 53106, सबसे पहले तो आप क्या करोगे कॉमा लगाओगे, क्योंकि जब तक आप कॉमा नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ 1000 आना चाहिए और कहाँ 100। देखिए 10 1 10 100 कॉमा लगाया 1000 10000, तो किसमें वैल्यू पूरी 1000 में, तो 53106 ये हो गया आपका पूरा वर्ड्स में। ऐसे एफ वाला देखिए, ये एफ की वैल्यू लिखिए, पहले मैंने कॉमा लगाया इसके बाद देखिए 500000 लास्ट में, क्योंकि पूरी वैल्यू जीरो की बाकी बची तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसी जे वाला देखिए कॉमा लगा दिया 62,61,52,496 ये हो गया आपका जे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कराए यहाँ तक आपको, इसके बाकी बचे हुए सम आपको नोटबुक में करने हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के सम करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में करना है, नोटबुक में आपको ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था दोनों एग्जांपल करके ये नहीं करना है, आपको सिर्फ चैप्टर नेम डालना है, डेट डालना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर टू करना है।